उत्तराखंड में 3 मई से शुरू हुई चार धाम यात्रा इस बार श्रद्धालुओं के लिए आफत बनकर आई है। चार धाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या ने प्रशासन के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। यात्रा के दौरान अभी तक 20 श्रद्धालुओं की जान जा चुकी है। इनमें ज्यादातर मौतें हार्ट अटैक की वजह से हुई हैं। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की लगातार हो रही मौतों ने आयोजकों और प्रशासन को चिंता में डाल दिया है। यात्रा के लिए किए गए प्रबंध नाकाफी साबित हो रहे हैं। चार धाम मैदानी क्षेत्र से करीब 10,000 से 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इतनी ऊंचाई पर चढ़ने वाले श्रद्धालुओं में ज्यादातर वो लोग हैं जो या तो बुजुर्ग हैं या किसी दिल की बीमारी से जूझ रहे हैं। ऐसे में इतनी ऊंचाइयों पर स्थित पहाड़ियों पर यात्रा करने से इन यात्रियों को तकलीफ हो रही है। सोमवार को यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में 14 श्रद्धालुओं की जान गई थी। वहीं केदारनाथ में 5 और बद्रीनाथ में 1 श्रद्धालु को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। यात्रियों की भीड़ और बीमारी के बीच मौसम के बदलाव से भी यात्रा में समस्या पैदा हो रही है। बात अगर केदारनाथ धाम के श्रद्धालुओं की करें तो यहां इतनी भीड़ बढ़ गई कि 5,000 श्रद्धालुओं को सोनप्रयाग में ही रोकना पड़ा। रोके गए श्रद्धालुओं ने बैरियर पर जमकर हंगामा काटा। प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद स्थिति नियंत्रित हुई। यमुनोत्री और केदारनाथ में यात्रियों की संख्या को नियंत्रित करने की तैयारी की जा रही है। श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ है कि पैर रखने की भी जगह नहीं है। प्रशासन के सीनियर अधिकारी खुद सुरक्षा और व्यवस्था के इंतजाम में लगे हुए हैं। सोनप्रयाग और गौरीकुंड में यात्रियों को रोका जा रहा है। उन्हें फिर धीरे धीरे आगे के लिए रवाना किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार की माने तो अभी तक 9.5 लाख से अधिक यात्री यात्रा के लिए पंजीकरण करा चुके हैं। इसमें सबसे ज्यादा 3,35,000 केदारनाथ के लिए रजिस्ट्रेशन हुए हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बार सभी चार धामों में निर्धारित क्षमता से 3 गुना अधिक श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड सरकार की तरफ से चार धाम यात्रा मार्गों पर स्वास्थ्य सेवाओं के पुख्ता इंतजाम होने के दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कठिन पैदल मार्गों पर स्वास्थ्य सेवाओं के साथ ठहरने का कोई पर्याप्त इंतजाम नहीं है। बता दें कि इस बार चार धाम यात्रा के लिए उत्तराखंड सरकार ने तीर्थयात्रियों के लिए ना तो हेल्थ फिटनेस सर्टिफिकेट जरूरी किया था और ना ही तीर्थयात्रियों की कोई संख्या तय की थी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट तक अनिवार्य नहीं किया गया। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या ने प्रशासन के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। मौत के बढ़ते मामलों के बाद अब उत्तराखंड सरकार ने हेल्थ सर्टिफिकेट अनिवार्य करने की कवायद शुरू कर दी है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए उत्तराखंड के स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर शैलजा भट्ट ने बीमार यात्रियों से यात्रा स्थगित करने की अपील की है। यदि आप चार धाम यात्रा पर निकल रहे हैं तो अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष ध्यान दें। जहां तक संभव हो फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद ही यात्रा पर निकलें। यात्रा शुरू करने से पहले गर्म कपड़े अवश्य पहनें। इसके साथ ही यात्रियों को अपने पास रेनकोट, छाता, टॉर्च भी रखने की सलाह दी जाती है। बता दें कि चार धाम यात्रा 2 साल बाद 3 मई से शुरू हुई है। आखिरी बार 2019 में श्रद्धालुओं ने चार धाम की यात्रा की थी। 2020 और 2021 में कोरोना महामारी के चलते पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया, जिसके चलते सभी धार्मिक स्थलों को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया था। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।